पूरे कानपुर में भाई जो है इतिहास बनेगा। ग्राउंड यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर है। स्पोर्ट्स के प्रति भाई ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। ओ भैया चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। मामा तो ऐसे देखो भाई, गाड़ी भी चला के लाए और चाय भी दे रहे हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भाई यमुना एक्सप्रेसवे से होती है, क्योंकि भाई अभी हम और हमारा पूरा परिवार जो है जा रखा है वैष्णो देवी माता। और जब हम छोटे थे तो मम्मी ने कहा था आप लोग को फ्लैशबैक मिले चलते हैं, मम्मी ने ये कह रखा था कि आज वो दिन आ गया है और हम सभी लोग जो है भाई जा रहे हैं वैष्णो देवी मैया गाड़ी से। पूरे कानपुर में भाई जो है इतिहास बनेगा इस गाड़ी से जो है भाई 10 लोग जा रहे हैं, इस गाड़ी से जो है भाई 10 लोग जा रहे हैं, पूरे कानपुर में जो है भाई इतिहास बनेगा। अराउंड यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर है। टाइम क्या रखा है मामा, जरा बता दो जरा ऑडियंस को। 3:03 तो हम लोग का भाई बहुत दिन से जो है प्लान बन रहा था कि वैष्णो देवी जाएंगे। फाइनली जो है माता का बुलावा आ गया और हम सभी लोग जो है भाई जा रहे हैं, आप लोग को भी लेके चल रहे हैं। तो आप लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और बाकी आप लोग को पता है भाई 365 ब्लॉग्स देने हैं तो भाई कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, और 75 ब्लॉग भी जो है भाई कंप्लीट हो गए हैं और धीरे धीरे ऐसी भाई 365 ब्लॉग कंप्लीट हो जाएंगे भाई साहब। फिलहाल गाइस भाई टाइम हो रहा है 5:08 और भाई हम लोग जहाँ पे हैं भाई वो नोएडा से वो सिर्फ 2 घंटे में जो है भाई आ गए हैं। और परी चौक जो है पार्क में परियां बनी है तो उसका नाम है परी चौक। चलते चलते जो है भाई आ गए हैं दिल्ली, और फिलहाल जो है अभी दिल्ली चलना है, नोएडा हम लोग आ चुके हैं। और भाई साहब अभी पीछे का व्यू देखो भाई, बिल्कुल मस्त रोड भाई मिल गई, इतना अच्छा रोड था भाई यमुना एक्सप्रेस वे। और सीधे लगा दी मामा ने, वो कुछ खाया पिया नहीं है, भूख बहुत है। उतरे थे क्योंकि भाई बहुत हैवी ड्राइविंग कर ली मामा ने, मामा जो है भाई थोड़ा देर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। देखो भाई यहाँ से और बहुत ज़्यादा सुंदर सा वहाँ से देखो, आप लोग देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है कितना प्यारा मस्त भाई। तो फिलहाल गाइस अभी मैंने भाई 4-5 ZX10R देखी भाई, निंजा ZX10R, और भाई देख करके भाई होश उड़ गए क्योंकि भाई रफ्तार जो होगी भाई 250 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार थी भाई। ऐसे राइडर्स निकले हैं कि आप लोग को मैं दिखा नहीं पाया, बट अभी जो है भाई बहुत तेज राइडर्स निकले हैं भाई, ऐसा मतलब हाईवे हो रखा है। सामने से क्या व्यू आ रहा है भाई देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को सनराइज़ दिखाया था, फाइनली जो अब सनराइज़ हो चुका है वो देखो भाई, और 7:19 हो चुका है भाई। तो भैया मामा हो तो ऐसे देखो भाई, गाड़ी भी चला के लाए हैं चाय भी दे रहे हैं, ये भी सही है भाई। गाड़ी पूरा 1200 किलोमीटर ताने रहे हैं और देखो चाय भी ले करके आ रहे हैं। अभी तो लग रहा कुछ नहीं चलाया यार, अभी तो लग रहा कुछ नहीं चला, अभी तो शुरुआत की है। तो गाड़ी को भी भाई जो चाय पिला दी है, पूरी फुल चाय पिला दी है आज गाड़ी को भाई, 2 बार फुल चाय पिलाई गई है। और अभी हम लोग भी भाई जो है भाई चाय पी रहे हैं, और इतना खूबसूरत पेट्रोल पंप रास्ते में जो है वो 2-3 चीज नहीं बोली जाती है, तो वही हमने कोडिंग में आप लोग को बता दिया, गाड़ी को भी भाई चाय पिला दी भाई। गाड़ी हम चला के लाए 600 किलोमीटर, पैर ये बता रही मेरे सूज गए। अभी जो है पानीपत में है, और देखो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी जो आप लोग बताओ कमेंट करके। 700 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी, अब मुझे लग रहा है कि रेस्ट ले लेना चाहिए। पानीपत और अम्बाला के बीच में सूरज ढाबा है, यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, मैंने और यश ने प्लान बनाया है कि यहीं पे लेते हैं नहा। सारी कृपा जो है हमारे लड्डू गोपाल जी की है, जो भाई यहाँ तक जो हम लोग को ले आए भाई सेफली। कुछ इस तरीके का हालत हो गई गाड़ी की, अभी तो भाई सब लोग उतर गए। अभी गाइस भाई नहा लिया है, और मामा ने भी नहा लिया, हमने भी नहा लिया, हमने भाई ऊपर की टी शर्ट चेंज कर ली और पूरा नहा भी लिया, मंजन भी कर लिया, फ्री में भाई कर लिया इस ढाबे में भाई। भाई मैंने तो चेंज नहीं किया बट नहा लिया, कपड़े तो वही पहन लिए। थोड़ा मतलब नहाने से भाई मतलब सफ़र में एक अजब सी जो है ताजगी आ गई यार। तो अब थोड़ा खाते पीते और फिर निकलते हैं अपने फिर से सफ़र के लिए। अब ये सब लोग आ जाओ भाई, नाश्ता पानी जो है कर लो। और अंदर बैठे हुए थे बट बाहर आ गए, क्योंकि अंदर का चार्ज अलग है बाहर का चार्ज अलग है भाई, हम लोग जो है भाई गरीब आदमी गरीब लोग। तो फिलहाल गए सूरज ढाबा जो है भाई, खाना पीना खा लिया भाई। कभी भी भाई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग आएँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा महंगा था यार। बताओ मैक्सिमम 4-5 मतलब कुछ डिशेज़ मंगाई और 700 रुपये का बिल बना भाई।
हम लोग का भाई पराठे सबसे महंगे, कॉस्टली पराठा, दही, दही आप लोग सोचिए कितने का होगा। हमारे कानपुर में भाई 30 रुपए का, 20 रुपए का मान लो मिल जाएगा ढाबे में, यहाँ 60 रुपए का दही। अरे बाबा दिमाग खराब हो गया। तो गाइस देखो भाई हार्ले डेविडसन भाई साहब मस्त लग रही है। आज पहली बार जो भाई देखो कितना ज्यादा चुंगी में जो है भीड़ लगी हुई है। तो गाइस ये देखिए भाई साहब आंटी को बुरा लग गया भाई, हमने कह दिया लोडर नीचे बैठ के, देख रहे हैं आप लोग, हमने कहा कि आंटी नीचे बैठ जाओ लोडर से, तो नीचे बैठनी, ऐसे ऐसे बैठी हुई थी भाई, डेंजर पॉइंट पे बैठी हुई थी। जब से फास्टैग की भाई सुविधा जल्दी जल्दी हो जाता। गाना बज रहा है भाई चांदी के पार चलो, यहाँ पे जाए हम लोग भाई, जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर। पीछे देखो भाई क्या सीन हो रखा है, सभी लोग जो है भाई सो रहे हैं नीचे, यहाँ पे मतलब मैनेज करने वाली हमारी फैमिली है भाई, मैनेज कर करके पीछे बैठी हुई है, और आपका भाई धीरे धीरे बोनेट की ओर जा रहा है। फिलहाल गाइस आप लोग देख सकते हैं भाई शंकर जी और गणेश जी भाई साहब, और आपका भाई जो है पंजाब पहुंच चुका है। पंजाब का हाईवे आप लोग देख सकते हैं, पंजाब के हाईवे में आप लोग को सफाई बहुत दिखेगी और मस्त लग रहा है भाई। ये देखो भाई पंजाबी लोग बैठे हुए हैं, पंजाबी रिक्शा चल रहा था यहाँ पे। सो भी गाइस आप लोग को इस तरीके का व्यू दे रहे हैं भाई, अभी देखना आप लोग को सिनेमैटिक व्यू देंगे भाई। ये देखिएगा इस सिनेमैटिक व्यू दे रखे हैं आपका भाई ने, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको चश्मे का सिनेमैटिक व्यू। गाइस देखो भाई पेट्रोल पंप है पंजाब का, कितना अच्छा लग रहा है भाई साहब, और जलंधर से यहाँ से हंस कह रहे हो भाई पंजाब का पेट्रोल पंप बहुत अच्छा दिखा रहे थे ऐसा, तो अपना कानपुर का भगवती पेट्रोल पंप बढ़िया था। लाल गाइस भाई इधर दिखाओ ये ग्रीनरी देखो उधर कितनी खूबसूरत है, ये है देखने यार, ये है ये मस्त भाई देखने लायक चीज है। फिर आ गया यार कोलगेट, हां कोलगेट फिर आ गया, कोलगेट गाइस कोलगेट जो है बहुत आए, मतलब कि टोल गेट मतलब कि इतने आए अभी तक को जो है 2500 रुपए की टोल गेट दे चुके हैं हम लोग, बताइए 2500 रुपीज की टोल गेट दे चुके हैं भैया, इतना तो मंजन खरीद लेते हो महीना भर चलता, साल भर चलता भाई साहब। ये कौन सी गाड़ी है? हाँ भाई भाई ये कौन सी गाड़ी है, इससे होता क्या है यार भाई, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, कमेंट करके बताइए भाई ये कैसी लग रही है आपको गाड़ी। सो भी गाइस यहाँ पे खड़े होकर के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई मामा कितना चलाएगा भाई, एक इंसान है भाई, वो भी एक इंसान है, कितना चलाएगा ये भी, ये इतने गांजा के पेड़ लगे हैं देख, गांजा ही गांजा, ये भी एक इंसान है कितना गाड़ी चलाएगा इतना चलाने के बाद ये भी हंस रहे हैं, कोई शिकायत नहीं चाह रहे हैं, मॉन्स्टर ड्राइविंग कर रहे हैं मामा इस समय, और मतलब कि ये कह सकते हो भाई हैवी ड्राइवर हो रहा है। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर, असली चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छ